वेयर एज एथिक्स मीन्स एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल एंड सोशल वेलफेयर इट इंक्लूड्स ऑनेस्टी मॉरेलीटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा तो ये एथिक्स जो है काफी पर्सनल है ओके पर्सन पर डिपेंड करता है जबकि इथोस जो है वो पूरे मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ दोसाइटी को डील करता है सो ऑक्सफोर्ड डिफाइंस इथोज एज द करेक्टरिस्टिक स्पिरिट एंड बिलीव ऑफ कम्युनिटी पीपल विच डिस्टिंग्विश वन कल्चर फ्रॉम द अदर कल्चर तो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जो डिफरेंस है वो इथोस डिफाइन करता है इंडियन इथोस आर ड्रॉन फ्रॉम द वेदास द रामायणा महाभारत द भगवद गीता एंड उपनिषद क्योंकि ये सनातन धर्म के ये जो लेख हैं और यही हजारों सालों से ये यस बोलिए ओके okay, तो ये हजारों सालों से ये चले आ रहे हैं तो इसको जो है हम लोग मैनेजमेंट uh, में फॉलो करते हैं सो इथोस ऑफ इन मैनेजमेंट इथोस ऑफ इन मैनेजमेंट रिफर्स टू द वैल्यूज एंड प्रैक्टिस दैट द कल्चर ऑफ इंडिया भारतीय संस्कृति कैन कंट्रीब्यूट टू सर्विस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट तो बेसिकली ये जो हमारे पास बहुत हजारों साल से वेद और ये का जो निचोड़ जो है मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं लीडरशिप में यूज़ करते हैं और मैनेजमेंट में यूज करते हैं ठीक है सो दीज वैल्यूज एंड प्रैक्टिस अच्छा एक बात मैं बता दूं कि ये जो वेद और ये सब जो चीज़ें हैं ये पर्टिकुलर रिलीजन तक लिमिट नहीं है क्योंकि बहुत पुराने हैं तो बहुत सारे धर्म जो हैं बहुत सारे ये सब बाद में आए हैं लेकिन उसमें वो भी बहुत सारा इनसे लिए हुए हैं ठीक है तो मैनेजमेंट uh, प्रैक्टिस जो है क्योंकि ये पुराने हैं इसका बहुत ज्यादा हमारे में असर है इंडियन कॉन्टिनेंट में इंडियन कॉन्टिनेंट इंक्लूड्स ऑल ऑल द कल्चर्स ओके और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो भी सो दीज वैल्यूज एंड प्रैक्टिस आर रूटेड इन सनातन धर्म द एटर्नल एसेंस एंड हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई वेरियस ट्रेंड्स ऑफ इंडियन फिलासफी ओके चलिए हम देखते हैं इंडियन इथॉस फॉर मैनेजमेंट इंडियन इथॉस फॉर मैनेजमेंट द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज रिवील्ड इन अवर एंशियंट विजडम ब्रॉड फॉर्थ इन अवर सेक्रेट बुक्स लाइक अवर गीता उपनिषद बाइबल एंड कुरान तो आप ये सोचिएगा कि इसमें आपको बाइबल कुरान भी है सिर्फ गीता ही नहीं है ओके okay? तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज़ है तो ये इंडियन इथॉस है ये हमारा मल्टी कल्चर है और यहाँ पे बहुत सारे हमारे सेक्रेट बुक्स हैं और उन सभी चीज़ों का यूज जो है प्रिंसिपल का एप्लीकेशन जो है हम मैनेजमेंट में करते हैं सो देर आर सिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स कहीं पे थ्री भी लिखे हुए हैं कभी फोर लिखे हुए हैं लेकिन थ्री सिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स हैं विच कम टू लाइट इन द होली बुक्स एप्लीकेबल इन टूडेज मैनेजमेंट वर्ल्ड नंबर वन ईच सोल इज अ पोटेंशियल गॉड ओके आत्मा ही भगवान है होलिस्टिक अप्रोच है देखते हैं अभी कैसे इक्वल इंपॉर्टेंस टू सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी ठीक है कर्म योग योग कर्मासु कौशलम एंड कोऑपरेशन तो कंपोनेंट्स ऑफ ईगो इंडियन इथोस में आ गया ईगो सब्लिमेशन रेदर देन ईगो एसर्सन हमारा जो पर्सनल ईगो के वजह से कोई काम नहीं करना चाहिए वो सब्लीमेंट करना चाहिए कैसे हम देखेंगे सेक्रीफाइसिंग स्पिरिट रेदर देन फाइटिंग स्पिरिट हमेशा कहते ना सेक्रीफाइस वाली टेंडेंसी होनी चाहिए हमारे सोसाइटी में हमेशा लड़ने को तैयार नहीं होना चाहिए फाइटिंग स्पिरिट नहीं होनी चाहिए टीम अचीवमेंट रेदर देन इंडिविजुअल अचीवमेंट तो यहाँ पे टीम अचीवमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है कि टीम वर्क होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल होगा और सिर्फ अगर आदमी इंसान सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में सोचेगा अपने बारे में सोचेगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो स्पिरिचुअल अटेनमेंट रेदर देन मटेरियल प्रॉस्पेरिटी स्पिरिचुअल अटेनमेंट ठीक है आ, आ, ये सभी लोग जानते हैं कि कोई भी धर्म हो हिंदुइज्म हो या बौद्धिज्म हो कहीं भी हो स्पिरिचुअल अटेनमेंट को ज्यादा जोर दिया गया है प्रॉस्पेरिटी को उतना नहीं सेल्फ कंट्रोल रेदर देन आउटसाइड कंट्रोल दूसरे को कंट्रोल करने के बजाय सेल्फ कंट्रोल पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटीज रेदर देन कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स तो हमेशा राइट्स के लिए हमने राइट थ्योरी देखा हमेशा राइट के लिए केवल नहीं आवाज़ उठानी है बल्कि ड्यूटीज को भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इंडियन कल्चर सिखाता है और शायद इसीलिए हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो वर्ल्ड के सारे जगहों पे आप कहीं भी चले जाइए वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल मैनेजर्स एंड वर्कर्स एंड इवन आप किसी भी अपर पोजीशन पे भी देख लीजिए वो कहीं भी सेट हो जाते हैं क्योंकि हमारे कल्चर में जो है कॉन्सेप्ट Concept, यही कॉन्सेप्ट्स हमारे में हैं ईल्डिंग रेदर देन डोमिनेटिंग ठीक है डोमिनेट नहीं करना है डोमिनेट करके हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं ईल्डिंग लेना है उनसे मांगना है उनसे शेयर करना है कंसर्न फॉर दिस एज वर्ल्ड एंड इम्प्रूवमेंट पूरे वर्ल्ड एज को वर्ल्ड पूरे संसार वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं पूरे परिवार की तरफ हमें इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना है एंड रिस्पेक्ट फॉर एंड सर्च फॉर ऑल ट्रूथ वॉट एवर बी इट्स सोर्स तो कोई कहीं भी सोर्स हो उससे कोई मतलब नहीं है सबसे हमें सच्चाई के बारे में जानना है तो ये सब कॉम्पोनेंट्स है इंडियन इथोस के चलिए कोऑपरेशन के बारे में जान लें हेल्दी कंपटीशन इज अ पावरफुल मोटिवेटर फॉर एक्सीलेंस एंड सक्सेस ओके especially business success the idea of कट competition is founded on the concept of struggle for existence and survival of the fittest फिटेस्ट ठीक है हम लोग सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट पढ़े हैं डारविन थ्योरी में स्कूल में पढ़े होंगे कि वही जीतता है जो आ, फिट रहता है है ना अब कोरोना में भी जो है जो फिट है वही जी रहा है बाकी सब प्रॉब्लम है तो कट टू throat competition की जब बात आती है तब हम लोग बहुत अनहेल्दी कंपटीशन कर देते हैं लेकिन अगर हम हेल्दी कंपटीशन करते हैं तो सभी अच्छा करते हैं एक्सेलेंस लाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं सो इंडियन सेज दैट फॉर ह्यूमन बींग्स रॉयल रोड इज कोऑपरेशन, अ पावरफुल मोटिव फॉर टीम वर्क टीम वर्क ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है कहीं भी सक्सेसफुल होने के लिए The Gita says by गीता से ऑपरेशन एंड म्यूचुअल हेल्प ऑल शेल अचीव द्यूमन वेलफेयर ठीक है योग मतलब सिर्फ उल्टा के और प्राणायाम सिर्फ वही योग नहीं है अगर आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से excellent वे में कर रहे हैं तो वो भी योग मुद्रा ही है सीक टू परफॉर्म योर असाइन ड्यूटी और वर्क इन एन एक्सेलेंट मैनर कौशलम डिनोट्स डूइंग वर्क विद डिवोशन एंड विदाउट अटैचमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अब आप इतने अटैच मत हो जाइए कि आपको अपने और अपने परिवार के बारे में सुध नहीं रहे आपको डिवोशन देना है अटैचमेंट नहीं देट इज विदाउट बींग अ वर्कोहॉलिक अब अपने बायोडाटा में वर्कोहॉलिक मत लिखा करिए ठीक है आप इंटरेस्टेड हैं डिवोटेड टू वर्क हैं वर्कोहॉलिक है मतलब वो एक साइकोलॉजिकल बीमारी हो जाती है तो सच डिटैच्ड एटीट्यूड एनहांसेस इट्स वैल्यूज एंड इम्प्रूव्स द कंसंट्रेशन एंड स्किल ऑफ द वर्कर ओके इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम कर्म योग एंड योग कर्म कौशलम प्रोवाइड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस अंडर दिस स्लोगन वेरी माइनर रोल एज मोटिवेटर तो मनी मिल गया आपको ये सब चीजों जो होती है ना वो आ, आ, बस बाहरी चीजों एक्सट्रेंसिक इंसेंटिव होती है लेकिन जब तक आप अंदर से जैसे है ना कि आपको बहुत एन नंबर ऑफ सर्विसेज uh, uh, मिल जाए ठीक है फिर भी जब तक आपको अपने अंदर से पढ़ने का मन नहीं करेगा क्लास अटेंड करने का मन नहीं करेगा तब तक आप नहीं पढ़ेंगे चाहे वो ब्रह्मा जी भी आके आपको पढ़ाने लगे ओके okay? सो so, निष्काम कर्म गीता दैट डू योर ड्यूटी विदाउट ईगो एंड विदाउट कैलकुलेशंस ऑफ गेन और लॉस हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो नहीं निष्काम रूप से अब जो आपको अच्छा लगता है और जो एथिकली सही है वो काम हमें करना चाहिए कर्म योगा इट इज योग ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स कर्म योगा इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग योर प्रायोरिटीज एंड ट्राइंग टू अचीव देम। ऑल्सो अ पर्सन शुड हैव अकाउंटेबिलिटी दैट इज ही शुड ऑलवेज होल्ड ओनली हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्ट एवर राइट और रॉन्ग

Importance to subjectivity or objectivity. So, Indian ethos for management distinguishes between subject and object. Subject is subtle and intangible, object is concrete and tangible or visible. Human and ethical values or qualities such as courage, vision, social awareness, fearlessness, integrity, pure and clear mind, truth, etc., are subjective. Subtle and intangible concepts. These subjective or subtle qualities are as important as money, materials, and machines, information or data as well as human skills. Inner resources of human beings are more powerful than external resources. Wisdom manager worker is more valuable than knowledge manager worker. A manager must develop a third eye. स्को अभी हम समझेंगे फिर से होलिस्टिक अप्रोच किया हुआ इट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी नॉन डुवेल और अद्वितता कॉन्सेप्ट अंडर दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी द यूनिवर्स इन एन अनडिवाइडेड होल वेयर ईच एंड एवरी पार्टिकल इज कनेक्टेड विद एवरी अदर पार्टिकल द इंटायर ह्यूमेनिटी इज वन तो मानवता का कॉन्सेप्ट ओके सच एन इंटीग्रेटेड ह्यूमन पर्सनैलिटी ऑफ सेल्फ डेवलप्ड मैनेजर एंड वर्कर कैन एश्योर बेस्ट एंड कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट ऑफ एनी एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग कलेक्टिव वर्क एंड एफर्ट्स तो कलेक्टिव वर्क वर्क टीम इस बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है ईच सोल इज अ पोटेंशियल गॉड मतलब अ ह्यूमन बींग सोल आत्मा होती है अ स्पार्क ऑफ द डिवाइन द डिवाइन रिसाइड इन दार्ट ऑफ अ पर्सन The divine means perfection in knowledge, wisdom, and power. Therefore, a human being has immense potential power or energy for self development. The partnership of God and man can bring about extraordinary or miraculous results. He can bring about not only personal development. हॉरमनी एंड हैप्पीनेस बट ऑल्सो प्रोस्पेरिटी टू हिज ओन ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी विदाउट इनजस्टिस टू अदर तो दूसरों एथिक्स यही कहता है कि दूसरों के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए और उसके बाद आपका पर्सनल डेवलपमेंट और हैप्पीनेस होना चाहिए ओके okay?